सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक हेल्थ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्किन वाइटनिंग क्रीम के ऊपर, यानी कि नॉर्मली जो स्किन को वाइट करने के लिए आपके कौन कौन सी क्रीम आती है उसके ऊपर यह सीरीज में चला रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो होगा हेल्थफिट कोजी केयर स्किन वाइटनिंग क्रीम, जो कि इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको मिलेगी कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, साथ इसका इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है और इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या कुछ आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए टाइम को बिना डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हेल्थफिट जो कोजी केयर स्किन वाइटनिंग क्रीम है, इसका मुख्य इस्तेमाल किन प्रॉब्लम में किया जाता है। तो इसका मुख्य इस्तेमाल किया जाता है त्वचा में रंग के बदलाव के इलाज के लिए, यानी कि आपके त्वचा में जो भी रंग होते हैं उसको बदलाव के लिए किया जाता है, उसको वाइटनिंग करने के लिए किया जाता है। तो अब देखेंगे इसमें इंग्रीडियंट्स क्या डाला गया है जो कि आपके फेस को यह बदलाव लाता है और स्किन को ग्लो वाइटनिंग करती है। तो इसमें डाला गया है मुलेठी, जो कि चोट लगने के बाद सूजन को कम करने वाली यह दवाई होती है। साथ ही इसमें विटामिन सी डाला गया, जो तत्व जो जीवित कोशिकाओं के मुक्त कणों के ऑक्सीजन के प्रभावित को रोकता है, यानी कि उसके प्रभाव को रोकता है। साथ ही इसमें कोजिक अम्ल है, ऐसे एजेंट होते हैं जो त्वचा के जलन में सुधार करने और स्किन के सॉफ्ट बनाते हैं, यानी कि स्किन को वह सॉफ्ट और मॉइस्चराइज बनाते हैं। अब देखेंगे कि जो हेल्थबिट कोजिक केयर स्किन वाइटनिंग क्रीम के क्या क्या लाभ साथ ही हो सकते हैं। तो इसका लाभ मात्र दिया गया है त्वचा में रंग के बदलाव। उसके बाद देखेंगे कि इसको आपको यूज कैसे करना है, साइड इफेक्ट। तो सबसे पहले आपको इसको यूज करने के सही तरीका हो सकता है, जैसे कि इस क्रीम को आप सबसे पहले यूज करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। आपको गुनगुने पानी के साथ ही वॉश करना है, साथ ही नॉर्मल पानी से भी आप वॉश कर सकते हैं। हेल्थफिट कोजी केयर स्किन वाइटनिंग लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से फेस वॉश से साफ कर लें, उसके बाद इसको अधिक मात्रा में यूज ना करें। इसका इस्तेमाल आपको अफोर्डेबल क्वांटिटी में लेकर के आपको इसका इस्तेमाल करना है अपने फेस के ऊपर। उसके बाद देखेंगे हेल्थफिट कोजी केयर स्किन वाइटनिंग क्रीम को फ्रिज में ना रखने की सलाह दी जाती है। इसे आप ठंडे और सूखे स्थान पर रख सकते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या क्या और भी इसके साथ करना पड़ता है, जैसे कि पानी को आप ज़्यादा सेवन करेंगे, साथ ही नाखूनों से उस स्थान को रगड़ने या खींचने की ज़रूरत नहीं हो सकती है, यानी कि अगर आप नाखूनों से फेस को ज़्यादातर रगड़ेंगे तो वह ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब देखेंगे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो हेल्थफिट कोजी केयर स्किन वाइटनिंग क्रीम से संबंधित चेतावनी, जैसे कि इस क्रीम को उपयोग गर्भवती महिलाएं के लिए ठीक है या नहीं है, तो ऐसे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। साथ ही अगर आप एक ब्रेस्टफीडिंग करने वाली महिलाएं तो भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही यह माना गया है कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए यह सेफ माना जाता है। उसके बाद स्तनपान करने वाले के लिए सुरक्षित है, बट आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद यूज कर सकते हैं, ऐसे आपको बिल्कुल यूज नहीं करना। उसके बाद देखेंगे कि इस क्रीम को हथेली में ले और धीरे धीरे चेहरे पर लगाएं। ध्यान रखें कि हेल्थफिट कोजी केयर स्किन वाइटनिंग क्रीम ठीक तरह से लगी हो। तो हेल्थफिट कोजी केयर स्किन वाइटनिंग क्रीम काफ़ी सेफ, काफ़ी इफेक्टिव माना गया है, जो कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट डे दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान देंगे, जैसे कि पहले से कोई अगर हर्बल मेडिसिन या क्रीम का यूज करें तो इसको अवॉइड करें, साथ ही अपने डॉक्टर को करंट लिस्ट जरूर दें। अगर आप हेल्थफिट कोजी केयर स्किन वाइटनिंग क्रीम का यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट आप पहले से कोई मेडिसिन ना ले हो तब। तो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी है, आप लेडीज जेंट दोनों भी इसका यूज कर सकते हैं, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू आपके लिए नहीं है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी अच्छी और काफ़ी इफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो इसको आपको बाय कहाँ से करना है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको बाय वहाँ से आप कर सकते हैं। ऐसे आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से भी आप इसको अवेलेबल परचेज कर सकते हैं। तो हेल्थफिट कोजी केयर स्किन वाइटनिंग क्रीम के बारे में जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से शेयर करें, ताकि उन लोग भी अपने स्किन को ब्राइट कर सकते जिसके स्किन पे काले धब्बे या ब्रेडनेस ये सारी प्रॉब्लम हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।